हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कौस्तुभ मॉम्स किचन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए का सिर पर सिर्फ आधी कटोरी गेहूं के आटे से बनी लड्डू का रेसिपी, जो कि एकदम दानेदार होने वाली है। और इसमें हम लोग ना डालेंगे चीनी, ना ही डालेंगे गुड़, और इतना ज़्यादा ये टेस्टी है और टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग फटाफट से रेसिपी देखना शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले ले लेंगे एक कढ़ाई या कोई सा भी पैन। तो इसमें हम लोग डालेंगे घी। तो आप देख सकते हो मैंने एक बड़ा चम्मच इतना डाल दिया घी। तो आप ना घर का घी या बाजार का घी कोई भी ले सकते हो। मैंने मार्केट में ली थी घी, इसीलिए कलर आपको थोड़ा सा चेंज लग रहा होगा। तो बस इसमें डाल दिया थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने डाला यहाँ पर थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। बस इस जब काजू बादाम हमारी ना 70% तक फ्राई हो जाएगी, तो इस स्टेज पर हम लोग डालेंगे किशमिश। तो किशमिश फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसीलिए जब 70% या 80% हो जाए फ्राई काजू और बादाम, तब डालना है किशमिश को। तो बस किशमिश और काजू बादाम तीनों चीज़ें अच्छी तरह से हमारी फ्राई हो चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर निकाल लिया है इसको एक प्लेट में। इसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे कट, ताकि लड्डू बनाने में दिक्कत ना आए। चाहो तो ऐसे भी रख सकते, बट मैंने इसको कट कर लिया था, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो बड़ा पीसेस में या छोटे पीसेस में। तो इस तरह से मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को कर लिया था कट, किशमिश को कुछ रखा था, कुछ कर लिया था कट। तो आप लोग देख सकते हो हमारे बस ड्राई फ्रूट कट हो चुकी है, मैंने नाइफ की मदद से कर लिया था कट। तो अब चलिए वापस चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस वही वाला लिया है घी, जो कि ड्राई फ्रूट वाला बचा हुआ था। बस इसी घी में मैंने डाल दिया आधी कटोरी गेहूं का आटा। तो इस तरह से हम लोग गेहूँ को आटे को एकदम लो फ्लेम पर भूनेंगे फ्रेंड्स, ताकि हमारी गेहूं का आटा ना एकदम दानेदार हो जाए। तो एकदम लो फ्लेम पर इसका कलर थोड़े से कलर चेंज होने देंगे, ज़्यादा इसका कलर हम लोग चेंज नहीं होने देंगे। हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं भूनेंगे, नहीं तो हमारी आटा जल जाएगी, एकदम से डार्क कलर इसका आ जाएगा। इसलिए एकदम लो फ्लेम पर एकदम आराम आराम से इसको भूनना है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे आटे ने एकदम सूजी की तरह हो गई है, दानेदार या खसखस की तरह। तो बस ये हमारी आटे अच्छी तरह से भून चुकी है। आप लोग इसका कलर देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही कलर इसका होना चाहिए। तो बस उसको मैंने निकाल लिया एक थाली में, बड़ा सा थाली में, और इसमें हम लोग मिक्स कर लेंगे ड्राई फ्रूट्स, जो कि जितने भी हम लोग फ्राई करके और कट करके रखे थे ना, वही वाला। तो फ्रेंड्स, इसमें ना हम लोग डालेंगे गुड़ और ना डालेंगे चीनी, बट मिठास के लिए कुछ तो चाहिए ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हम लोग डालेंगे मिठास के लिए खजूर। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये थाली को रखेंगे साइड में। आप लोग देख सकते हो मैंने एक ब्लेंडिंग जार में रख रखा है खजूर। तो आप 8 से 10 ले लेना खजूर। तो बस इसका हम लोग बीज निकाल देंगे खजूर को, और बस इसमें डाल देंगे 8 से 10 खजूर। 8 से 10 इसलिए बोली क्योंकि हम लोग आधी कटोरी लेंगे गेहूँ का आटा, तो 8 से 10 डालेंगे खजूर। अगर आप लोग ज़्यादा क्वान्टिटी में लेते हो तो आप इस हिसाब से खजूर का भी क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो। बस इसको नॉर्मली ब्लेंडिंग जार में थोड़ा सा इसको पीस लिया था, अच्छी तरह से ये पीस चुकी है, आप लोग देख सकते हो। बस इसको डाल लेंगे थाली में और इसको अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स आटे के साथ। तो अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए सब, जितना भी आटा है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो। मैं ऊपर से थोड़े से डाली खसखस या पॉपी सीड्स। तो बस अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स इसको भी। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो चुकी है, और आप लोग को देख के पता चल रहा हो कितना ये दानेदार है हमारी आटा। तो इसे बस भूनना है लो फ्लेम पर, तो एकदम दानेदार लड्डू बनेगी। तो बस इसी तरह से सारे लड्डू को हम लोग बना लेंगे हाथों की मदद से। तो आप लोग देखा ना कितना ईजी हमारी लड्डू बन करके हो चुकी रेडी। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने आधी कटोरी में इतना सारा बड़ा है लड्डू, तो आप लोग देख सकते हो इसका लुक कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मार्केट से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा, मार्केट में यही लड्डू लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगी पड़ती है। तो इस तरह से आप भी ट्राई कर सकते हो फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आप लोगों को एक तोड़ करके दिखा दी अंदर का, इसका देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो देखने में जितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में इतना ही ज़्यादा टेस्टी था। तो इस तरह से अगर ट्राई आप लोग करते हो तो मेरे को जरूर बताना कमेंट करके। रेसिपी अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स, लाइक करना, शेयर करना, मेरे वीडियो को बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पर नए आते तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल करना, ताकि मेरी हर रेसिपी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।